मोटो एक्स में मिलेगी आईफोन एक्स की झलक। मोटो कैन हैंडसेट की तस्वीरें लीक हो गई है और मोटो एक्स 5 में आगे की तरफ दो कैमरे सेंसर होंगे। नए मोटो एक्स 5 में कुछ एआई फीचर हो सकते हैं। कंपनी एक 5G मोटो मोड पर काम कर रही है। OnePlus और Vivo जैसी कंपनियां जहां पहले ही एप्पल आईफोन एक्स को टक्कर देने के लिए पहले ही फेस अनलॉक फीचर अपना चुकी है, अब खबर है लेनोवो के मोटो ब्रांड ने भी आईफोन एक्स को चुनौती देने की तैयारी कर ली है। खबर है कि मोटोरोला ने अपने इस हैंडसेट में आईफोन एक्स जैसा डिस्प्ले देगी और खासकर ऊपरी हिस्सा आईफोन एक्स से मेल खाएगा। वहीं फ्रंट पैनल पर डुअल कैमरा सेटअप भी होगा। नए मोटो डिवाइस को मोटो एक्स 5 नाम दिए जाने की खबर है और इसे अगले महीने बार्सिलोना में होने वाली मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC 2018 में लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी मोटो Z3, मोटो Z3 प्ले और अपने पहले 5G मोटो मोड के अलावा 3 नए मोटो G वेरिएंट पर भी काम कर रही है। मोटो G6, मोटो G6 प्लस और मोटो G6 प्ले के बारे में लीक में जानकारी सामने आई है। इन सभी स्मार्टफोन की तस्वीरें भी लीक हुई है और ड्रायल लाइफ ने भी इन स्मार्टफोन की सबसे पहले लीक हुई तस्वीरों को सार्वजनिक किया है। मोटो एक्स 5 स्मार्टफोन एंड्रॉयड पर चलने वाला है। आईफोन एक्स का सबसे करीब प्रतिद्वंदी होगा। स्मार्टफोन में पतले बेजल वाला पैनल होगा जिस पर आगे की तरफ आईफोन एक्स की तरह डिस्प्ले होगा। ईयरपीस के पास दो कैमरा सेंसर होंगे और कैमरा सेंसर से बेहतर सेल्फी लेने के लिए अलावा फेस अनलॉक फंक्शन का भी काम करेगा। लीक तस्वीर से पता चलता है कि मोटो के स्मार्ट AI और मोटो XP में कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI वाले फीचर होंगे। खास बात है कि कथित मोटो एक्स 5 में किसी आगे की तरफ कोई फिजिकल या टच सेंसिटिव बटन नहीं दिख रही है, लेकिन लीक तस्वीर में सफ़ेद रंग के एक ऑन स्क्रीन बटन को देखा जा सकता है। हो सकता है कि इस ऑन स्क्रीन बटन में यूज़र को एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन तक जाने में जेस्चर सपोर्ट मिले। इसके अलावा फ़ोन में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया जा सकता है। गौर करने वाली बात है कि हाल ही में टीना पर इसी तरह के फीचर वाले वीवो X20 प्लस UD हैंडसेट देखा गया था। इसके अलावा मोटो X5 में पिछले साल आए मोटो X4 जैसा पैनल भी दिया जा सकता है। यह फ़ोन दो रियर फैंसी कैमरा और एक LED फ्लैश के साथ आता है। ड्रॉइड लाइव द्वारा बताए गए स्पेसिफिकेशन पर भरोसा करें तो मोटो X5 में 5.9 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले होगा जो 18:9 एक्सपेक्ट रेशियो के साथ आएगा। मोटो X5 की तरह ही मोटो Z3 और मोटो Z3 प्ले की कुछ तस्वीरें ड्रायल लाइव द्वारा लीक की गई है। मोटो Z सीरीज के इन दोनों नए हैंडसेट में एक 6 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले होने की खबर है और यह डिस्प्ले बॉर्डलेस बताया जा रहा है। कंपनी द्वारा मोटो Z सीरीज का तीसरा हैंडसेट मोटो Z3 भी लॉन्च किया जा सकता है। इस फोन में क्वालकम स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि मोटो Z3 और मोटो Z3 में प्ले में एक जैसा प्रोसेसर होगा या अलग अलग। खबर है कि आने वाले मोटो X5 की तरह ही मोटो Z सीरीज के नए स्मार्टफोन में आगे की तरफ एक सिंगल ऑन स्क्रीन बटन होगा। कंपनी द्वारा एक नए मोटो मोड पर भी काम करने की खबर है जो नई मोटो Z फैमिली को 5G कनेक्टिविटी की क्षमता दे पाएगा। गौर करने वाली बात है कि मोटो ने दिसंबर 2016 में सुपर फास्ट वायरलेस कनेक्टिविटी और ऑफर करने के लिए 5G मोड जिक्र किया था। इसमें एक बिल्ट इन बैटरी पैक हो सकता है जिसे अटैच करने से हाई स्पीड डेटा के अलावा स्मार्टफोन की बैटरी एक पूरे दिन तक चल जाएगी। मोटो X5 और नए मोटो Z सीरीज के अलावा ड्रॉइड लाइफ ने मोटो G6, मोटो G6 प्लस और मोटो G6 प्ले की तस्वीर भी लिखी है। नई मोटो G6 सीरीज में एक 3D ग्लास रियर होगा जैसे कि सैमसंग ने अप्रैल 2015 में आए सैमसंग गैलेक्सी X6 एज में दिखाया था। दूसरी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो मोटो G6 में एक 5.7 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले 18:9 एस्पेक्ट रेशियो स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर और 3GB रैम व 4GB रैम होंगे। स्मार्टफोन को 32GB रैम व 64GB रैम स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा फ़ोन में रियर पर 12 मेगापिक्सल व 5 मेगापिक्सल के दूर सेंसर होंगे। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर दिया गया जाएगा। वहीं मोटो G6 प्लस में होगा 5.93 इंच डिस्प्ले होगा और जिसका रिजोल्यूशन मोटो G6 की तरह ही फुल HD प्लस 1080x2160 पिक्सल होगा। फ़ोन में एक जैसा कैमरा सेटअप दिए जाने की उम्मीद है। हालांकि प्लस वेरिएंट में स्नैपड्रैगन 630 प्रोसेसर व 6GB रैम दिया जा सकता है।
मोटो जी सिक्स प्लस में 5.7 इंच एच डी डिस्प्ले और 4000 mAh की बैटरी बड़ी बैटरी दी जा सकती है। खास बात है कि तीनों मोटो जी सीरीज स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर आगे की तरफ है, जबकि नए मोटो एक्स और मोटो जेड वेरियंट में यह आगे से गायब है। मोटो जी सिक्स को अमेरिका में $240 करीब 15,300 रुपये, जबकि मोटो जी सिक्स प्लस को $3,300 करीब 21,000 रुपये में उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है। मोटो जी सिक्स प्लस को इंडिगो नेम्स और डार्क लेकर कलर वेरिएंट में लॉन्च किया जा सकता है। सभी नए मोटो स्मार्टफोन की कीमत व उपलब्धता की जानकारी उनके लॉन्च के साथ मिलने की